नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल दारितु ब्लॉग्स में। प्रयागराज में लगने वाले धार्मिक मेले की चर्चा आजकल हर तरफ हो रही है। संगम नगरी में आस्था, प्रेम, संस्कार, संस्कृति का यह सबसे बड़ा मेला है। संगम तट जहां देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। संगम तट पे ही बहुत सारे ऐसे मठ हैं जिसकी देश विदेश में ख्याति विद्यमान है। उन्हीं आस्था के केंद्रों में से एक है गंगोली शिवाला, जो प्रयागराज के झूसी नामक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ के पुजारी की माने तो सैकड़ों वर्ष पूर्व आगरा के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण गंगा प्रसाद तिवारी द्वारा बनवाया गया यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा स्थान रखता है। इस मंदिर का निर्माण बलुई पत्थर द्वारा कराया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह के चार द्वार हैं। मुख्य रूप से उनमें दो द्वार सक्रिय रहते हैं जो कि पश्चिम और उत्तर मुखी हैं। नागर शैली में बना भगवान शिव का यह मंदिर अपने स्थापत्य कला और मूर्तिकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर से जुड़ी हुई लोगों की अनेकों मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस मंदिर में संपूर्ण श्रद्धा और भाव से भगवान शिव के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंदिर के परिक्रमा पथ के रूप में चारों ओर से स्थान विद्यमान है। मंदिर प्रांगण के अंदर ही बरामदा, मंचन आदि के लिए भी विशेष स्थान बनाया गया है। इन सभी के साथ साथ मंदिर के पुजारी के रहने का स्थान भी इसी मंदिर प्रांगण के अंदर है। यदि बात यहाँ के स्थानीय लोगों की जाए तो निश्चित तौर पर इस बात को सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इस मंदिर से जुड़े हुए लगभग आधे से ज़्यादा घरों में निवास करने वाले लोग मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्रण अंकित हैं। प्रयागराज के संगम तट से ईशान कोण पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के अनंत रूपों में एक विशेष रूप का प्रमाण है। तो आइए दोस्तों, हम आपको कराते हैं देवादिदेव श्री गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह मंदिर शहरी भीड़भाड़ से बिल्कुल अलग मन के एकांत और शांति में वृद्धि करता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ और प्रयागराज के सुंदरीकरण के कारण इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। देश विदेश के समस्त श्रद्धालुओं और माघ पर्व में निवास करने वाले कलव वासियों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहा है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर गंगेश्वर महादेव जी के अलावा सीताराम, राधे कृष्ण, हनुमान जी इत्यादि की भी प्रतिमाएं विराजित हैं। इसी मंदिर प्रांगण में भगवान शिव का एक अन्य मंदिर भी विद्यमान है। दोस्तों, इस मंदिर में जाने पर मेरा अनुभव कुछ विशेष रहा। भगवान शिव के अनेकों नाम में एक नाम श्री पशुपतिनाथ एवं भगवान शिव की अनंत महिमा पर यकीन होता गया। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर घुसते ही मैंने देखा कि भगवान शिव पर चढ़े हुए कुछ फूल एवं भोग को प्रसाद के रूप में बकरी द्वारा खाया जा रहा था। दुनिया भर में अनेकों देवी देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन जो स्नेह गण, दैत्य, देव, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सभी को एक नज़र से सिर्फ एक ही देवता देख सकते हैं और वो है हमारे महादेव। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण गंगा नदी का विस्तार भी है, क्योंकि यह मंदिर नदी के तट से लगा हुआ है। मंदिर के बाह्य द्वार से देखने पर गंगा नदी का संपूर्ण विस्तार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मंदिर के टीले से देखने पर तीन विभिन्न दिशाओं में तीन विभिन्न स्थान दृष्टिगोचर होते हैं। उत्तर की ओर देखने पर रेलवे ब्रिज, शास्त्री ब्रिज और नैनी का हिस्सा, पश्चिम की ओर देखने पर दारागंज मोहल्ला एवं दक्षिण की ओर देखने पर फाफा मऊ मोहल्ला स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। अगर आप भी गंगा स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ अवश्य पधारें। धन्यवाद।